भाइयों और बहनों, ये सिर्फ आपके आरक्षण को ही लूटना नहीं चाहते, उनके तो और बहुत कारनामे हैं। और इसलिए मेरे आदिवासी भाई बहनों को कहना चाहता हूं, मेरे दलित भाई बहनों को कहना चाहता हूं, मैं ओबीसी के भाई बहनों को कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस के इरादे नेक नहीं है, संविधान के अनुरूप नहीं है, सामाजिक न्याय के अनुरूप नहीं है, भारत की बिन सांप्रदायिकता के अनुरूप नहीं है। अगर आपके आरक्षण की कोई रक्षा कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी को भारी समर्थन दीजिए, ताकि कांग्रेस की एक न चले, किसी राज्य में भी वो कोई हरकत न कर सके, इतनी ताकत आप मुझे दीजिए ताकि मैं आपकी रक्षा कर सकूं। साथियों, कांग्रेस की नजर सिर्फ आपके आरक्षण पर ही ऐसा नहीं है, कांग्रेस की नजर आपकी कमाई पर, आपके मकान, दुकान, खेत, खलिहान पर भी है। कांग्रेस के शाहजादे का कहना है कि ये देश के हर घर, हर अलमारी, हर परिवार की संपत्ति का एक्सरे करेंगे। हमारी माताओं बहनों के पास जो थोड़ा बहुत स्त्री धन होता है, गहने जेवर होते हैं, कांग्रेस उनकी भी जांच कराएगी। यहां सरगुजा में तो हमारी आदिवासी बहनें चंदवा पहनती है, हंसूली पहनती है, हमारी बहनें मंगलसूत्र पहनती हैं। कांग्रेस ये सब आपसे छीनकर, वो कहते हैं हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब आपको मालूम है ना वो किसको देंगे, मालूम है ना किसको देंगे, आपसे लूट करके किसको देंगे मालूम है ना, मुझे कहने की जरूरत है क्या? क्या ये पाप करने देंगे क्या आप? और कहती है कांग्रेस, सत्ता में आने के बाद ही वो एक के बाद ऐसे क्रांतिकारी कदम उठाएगी। अरे ये सपने मत देखो, देश की जनता आपको ऐसा मौका नहीं देगी।